सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हम टेस्ट करेंगे इस पीसी का बूट अप टेस्ट, ठीक है। सो देखेंगे पीस कैसा परफॉर्मेंस करता है। थोड़ी बहुत जानकारी के लिए मैं बता दूँ, इसके अंदर लगा है राइजन 7200X 8 कोर एंड 16 थ्रेड का सीपीयू, और ये सेकंड जेन का राइजन का सीपीयू है, और इसमें एक जी स्किल का 8GB 3200 मेगाहर्ट्ज़ का रैम है, एंड कलरफुल का 1650 सुपर GTX 1650 सुपर का जीपीयू है, ठीक है। और इसमें जो मदरबोर्ड लगा है वो है MSI V450 Gaming Pro Carbon SE। सो देखते हैं इसमें, और इसमें कोई हार्ड डिस्क नहीं है एक्सटर्नल, ठीक है। एक SSD लगा है 240GB का WD ग्रीन। सो इसका हम आज स्पीड अप टेस्ट करेंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ट्रेजर एंड यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करके देखते हैं ये पीसी कैसे परफॉर्मेंस करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, ठीक है। सो ये आज मैं सुबह इस वीडियो को बना रहा हूँ क्योंकि ये मेरा पहला स्टार्ट होगा, ठीक है। सो देखते पहले टाइम में पीसी कैसा स्टार्ट होता है। सो मैं इस फ़ोन में मैं आपको टाइमर सेट करके दिखाऊंगा, ठीक है, एंड वो भी पीसी को स्टार्ट करते हैं। सो मैंने मेन स्विच ऑन कर दिया। सो मेन स्विच ऑन करते आप देख सकते हो यहाँ पर लाइट आ गया है, ठीक है, एंड ये मैं टाइमर ऑन कर रहा हूँ। सो ये टाइमर सेट है। सो रेडी, 1 2 3 Test, start. देखते पीसी कैसे परफॉर्मेंस करता है, ठीक है। सो अभी लाइट आ गया है, सब कुछ ऑन हो गया है, अभी आप देख सकते हो। सो मैं इसे साइड में रख देता हूँ ताकि फोकसिंग में प्रॉब्लम ना हो। अब देखते हैं पीसी कैसे बूट करता है। सो 22 सेकेंड लेफ्ट, 24 सेकेंड, 5 सेकेंड, एंड मैं पास चला जाता हूँ क्योंकि टाइमर ऑफ करना है। सो 1 2 3 अभी तक बूट नहीं है। सो स्टॉप, अब देख सकते हो गाइस 39 सेकेंड एंड 53 मिली सेकेंड में ये ऑन हो गया, ठीक है। सो मैं लगभग अगर चलो 40 सेकेंड में ये ऑन हो गया, ठीक है, ये पीसी। सो गाइस, अभी आप लोगों ने देखा कि हमने इस पीसी को बूट कर दिया, ठीक है। तो फिलहाल ये डिस्प्ले से आउट हो रहा है। सो फिलहाल मैंने इस पीसी को बूट किया, तो इस तरह की अब मैं इसमें कुछ एप्लीकेशन को ट्राई करूंगा, ठीक है, जैसे प्रीमियर प्रो, लाइट रूम एंड एडोब एडिशंस और फोटोशॉप, ठीक है, और इस तरह की बहुत सारे बेंचमार्क में मैं रन करूंगा। सो वीडियो में आगे तक बने रहिए, सबको रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा लाइव, ठीक है। और इस तरह की वीडियो मेरे चैनल पे आता रहता है, तो चैनल को अभी करो सब्सक्राइब इस तरह की वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को लाइक करना, और आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो फिर मिलते हैं पीसी के स्क्रीन पे। सो सबसे पहले मैं आपको पीसी का हार्डवेयर चेक करवा देता हूँ, ठीक है। सो सिस्टम में आप जाएंगे एंड अबाउट में जाएंगे। सो आप देख सकते हो प्रोसेसर AMD Ryzen 7 2700X 8 कोर प्रोसेसर, इंस्टॉलिंग रैम 8GB, और ये वगैरह वगैरह विंडोज 10 प्रो, ठीक है। सो इसे हम कट कर देते हैं। तो सबसे पहला ऐप हम खोलेंगे जी स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस, ठीक है। मेरे GPU का आपको डिटेल्स दे देता हूँ, तो देखा ये बहुत ही आसानी से खुल गया। सेटिंग्स में जाएंगे, सो आप देख सकते हो जी फोर्स GTX 1650 सुपर, ठीक है, एंड यहाँ पे भी दिखा रहा है AMD Ryzen 7 2700X, इधर रैम दिखा रहा है 7.95GB रैम, ठीक है। सो इसे हम कट कर देते हैं, और सबसे पहले ऐप जो हम खोलेंगे देखते हैं VLC मीडिया प्लेयर। सो ये भी आसानी से खुल रहा है, तो इसे भी हम कट कर देंगे। अब हम खोलेंगे लाइट रूम। सो देखते हैं कितना टाइम में खुलता है, ये लाइट रूम 5 है एक्चुअली। सो ये बहुत ही अच्छे तरीके से खुलता है, और ये देख सकते हैं मेरे फ़ोटो एडिट किया हुआ है, ठीक है। सो इसे भी हम कट कर देते हैं, स्किप्ड इस दिस टाइम, एंड ऑडियो एडिशन को हम नहीं खोलेंगे। एडोब एडिशन फिलहाल मेरे बैकग्राउंड में चल ही रहा है, आप देख सकते हो, इससे मैं ऑडियो का रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस समय। अब खोलते हैं इसे फोटोशॉप को। सो ये फोटोशॉप में थोड़ा टाइम लगेगा, सो अब देखते कितना टाइम लगता है। सो फोटोशॉप में आप देख ही सकते हो, अब टाइमर लगा के चेक कर सकते हो। सो ये ऑन हो रहा है, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करके। सो फिलहाल ये ऑन हो रहा है, एंड ये थोड़ा लोडिंग ले रहा है, तो फोटोशॉप में थोड़े बहुत टाइम लगता है, जैसे कि आप देख ही सकते हो। सो इसका इंटरफेस आप देख सकते हो। सो मैं इसे भी कट कर देता हूँ। अब चलेंगे प्रीमियर प्रो में, तो हम देखते हैं प्रीमियर प्रो कितना फास्ट खोलता है, ठीक है। हमने प्रीमियर प्रो भी रन कर दिया,
और यही नहीं गाइस, मैं प्रीमियर प्रो में आपको वीडियो, मेरा जो ये वीडियो अब रिकॉर्ड हो रहा है और ये वीडियो जब यूट्यूब में आएगा तो मैं जिस टाइम रिकॉर्ड करूँगा और जिस टाइम एक्सपोर्ट करूँगा तब मैं इसमें रिकॉर्डिंग करके, ठीक है, आपको ज़रूर से ज़रूर दिखाऊँगा कि कितना टाइम लगता है। लेट्स स्टार्ट। ओके, आप देख सकते हो ये भी खुल चुका है, तो इसे भी हम कट कर देते हैं। अब हम खोलेंगे, कौन सा चीज़ खोला जाए, यहाँ पे टाइपिंग मास्टर 10, ठीक है। सो ये तो फिलहाल ओबीएस है, ओबीएस से मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जिस टाइम चल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे क्रोम है, ये इंटरनेट के थ्रू चलता है तो इसमें हम छोड़ देते हैं। सो टाइपिंग मास्टर 10, सब देख सकते हो ये भी एप्लीकेशन खुल गया, ठीक है। सो इसे भी कट कर देते हैं। सो अब देखते हैं बेंचमार्क रन करके क्या होता है। सो बेंचमार्क के लिए, इसके लिए सबसे पहले मैं ड्रैगन सेंटर खोल लेता हूँ, बेंचमार्क मैं लास्ट में करूँगा, ठीक है। सो इससे क्या होता है, MSI का सॉरी कंट्रोलिंग होता है लाइट बाइट मिस्टिक लाइट सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है। सो देखते हैं कि ये कितना टाइम लेता है। सो गाइस देख सकते हो इसे भी फटाफट खोल गया। सो मैं इसे स्किप कर देता हूँ और आप देख सकते हो इसके बारे में मैं एक वीडियो डालूंगा कि आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो सारे लाइट्स को MSI मदरबोर्ड के थ्रू। सो इसे भी कट कर देता हूँ। ऐड यहाँ पे है कूलर मास्टर, क्योंकि मेरे पास रेड प्रिज्म कूलर है, इसे भी ओपन करते हैं। AMD का रेड प्रिज्म कूलर आपको पता ही है, और देख सकते हो ये भी बहुत फास्ट खुल रहा है। सो ये PC बहुत ही फास्ट है गाइस, मैं कह रहा हूँ इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा और आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो मैं इस ऑडियो को रिकॉर्ड करना स्टॉप कर देता हूँ और फिर मैं बेंचमार्क रन करता हूँ, ठीक है। सो अब मिलते हैं बेंचमार्किंग पे। सो हम अब टेस्ट करेंगे बेंचमार्क, ठीक है। सो ये सीरियम एज R23 है। सो लेट्स स्टार्ट। CPU मल्टीकोर का स्टार्ट चेक करेंगे हम। सो स्टार्ट हो गया। सो लेट्स सी व्हाट द रिजल्ट, ठीक है। सो आपके टाइम सेव करने के लिए मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। सो परफॉर्मेंस देख सकते हो Ryzen 7 2700X का 4-core थ्रेड, ये था परफॉर्मेंस, ठीक है। सो मेरे हिसाब से ये ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, इसका स्पीड टेस्ट करेंगे, जैसे कि फाइल ट्रांसफ़र। सो मैंने अपना DSLR इसमें कनेक्ट कर दिया है PC से, और अब जो मैंने वीडियो बनाया है अभी वो हम इस PC में स्टोर करेंगे DSLR से, ठीक है। सो यहाँ पे शो होना चाहिए। सो DSLR मैंने ऑन नहीं किया, तो इसे ऑन कर देते हैं सबसे पहले। सो हमने इसे ऑन कर दिया DSLR को। अब हम इसे, अब देख सकते हो यहाँ पे दिखा रहा है 200 ESO कैनन। सो इससे अब फाइल को ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। आज का डेट कितना है, 16। रुको। सो ये वीडियो आ गया, ठीक है। ये लास्ट का 1 2 3 4, तो चारों वीडियो का हम करेंगे। टोटल 2.1 GB का है, ठीक है, 2.12 GB का, सॉरी 2.12 GB का है ये चारों वीडियो, उसमें से एक कैंसिल होगा। वेट। तो इस चार वीडियो टोटल 1.65 GB का है। सो इसे हम करेंगे यह से कट, और लोकल डिक्स यूट्यूब वीडियोस एंड पेस्ट। सो देखते कितना टाइम लगता है, लेट्स वेट। प्रीटी गुड, फास्ट है, नॉट स्लो। सो धीरे धीरे स्लो से फास्ट हो रहा है, ठीक है। सो तब तक के लिए गाइस, अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम में अभी तक फॉलो नहीं किए हो तो इंस्टाग्राम का लिंक अभी राइट साइड पे आ रहा है, ठीक है। सो स्क्रीन का राइट साइड अब चेक करना ना भूले, उस ID पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। और इसी तरह के सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में,
एंड अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, ठीक है गाइस। सो यही करते करते आपको डिस्क्रिप्शन में सारा सोशल मीडिया का लिंक भी मिल जाएगा। सो बात करते करते देखो वीडियो ट्रांसफर हो भी गया, 1.25 GB हो गया है, अब बस एक वीडियो बाकी है। चलो चलो हो गया, सो फुल्ली हो गया, ठीक है। सो यही तक था आज का वीडियो, सो सेम स्टॉप करते हैं। तो हे गाइस, कैसा लगा आपको वीडियो? आपने सभी तरह का टेस्ट आप देख लिया होगा, आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। और ये पीसी मेरे हिसाब से मेरे लिए वर्थ इट है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है मेरे को। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अभी के अभी, एंड बगल में जो बेल का आइकन उसे प्रेस करना ताकि इस तरह की वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले पहुंचे आप तक। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, और एक लाइक करना वीडियो को, नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आपकी कोई राय हो तो जरूर बताना। सो आज के लिए इतना ही, सो फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।